हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे जेनेटिक्स से, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो इस चैप्टर से हम जो बात करेंगे इस वीडियो में, बेसिकली वो है हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ मेंडल्स वर्क, राइट? तो ये है मेंडल, जिसका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल, इन्होंने 1822 में एक पोर फैमिली में इनका बर्थ हुआ था। ओके, देखो, ग्रेगर जोहान मेंडल वाज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क। वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे एंड ही वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। तो ये जो कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मेंडल ने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ओके, देखो, मेंडल ने जो क्रॉस ब्रीडिंग ब्रीडिंग का एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो किसके ऊपर किए थे? दैट इज गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटिवम, एंड उन्होंने 9 साल से ये एक्सपेरिमेंट किए थे, फ्रॉम 1854 to 1863। ओके, और मेंडल का जो पेपर पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और वो जिस जर्नल में पब्लिश हुआ था उसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न इन 1865, राइट? मेंडल्स वर्क रिमेंट अननोटिस्ड फॉर अबाउट 34 ईयर्स। सो मेंडल का जो काम था वो 34 ईयर्स तक अननोटिस्ड था। उसके पीछे कारण क्या क्या थे? देखो, The result was published in an obscure journal. So, Mendel जो क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उसके जो रिजल्ट थे और जो पेपर उन्होंने पब्लिश किए थे, जिस जर्नल में उन्होंने पब्लिश किए थे, वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। ओके, साइंटिस्ट वेर प्री ऑक्यूपाइड विद द कंट्रोवर्सी थ्रोन अप बाई डार्विन्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दैट टाइम के जो साइंटिस्ट थे, वो डार्विन्स के जो थ्योरी थे, दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके जो कॉन्ट्रोवर्सी थे, उनमें ही उलझे हुए थे। ओके, साइंटिस्ट ऑफ दैट पीरियड वेर इग्नोरेंट अबाउट द साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। सो दैट टाइम के साइंटिस्ट साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिए थे। मेंडल्स कॉन्सेप्ट वॉज फार अवेज ऑफ हिज टाइम। सो दैट टाइम के बेसिस पर मेंडल का जो कॉन्सेप्ट था, वो बहुत ही आगे था। And Mendel used mathematical basis to explain the results of crossbreeding. So Mendel ने mathematical basis use किए थे crossbreeding को explain करने के लिए, जो कि that time के जो biologist थे, उनके लिए unacceptable थे। Okay, इसीलिए Mendel का जो काम था, वो 34 years तक unnoticed था। ओके, तो ये था हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ मेंडल्स वर्क। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे मेंडल का काम कैसे रीडिस्कवर हुआ। ओके, सो थैंक यू।